हाय गाइस, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। लेफ्ट ओवर चीजों से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, कभी दाल के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी चावलों के साथ करते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ दिवाली की बची हुई खीर से एक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। खीर थोड़ी बहुत बच गई है तो कोई बात ही नहीं है, और कई बार होता है कि 250 ग्राम या 200 ग्राम खीर बच गई है और समझ में नहीं आता कि इतनी सारी खीर का हम क्या करें, क्योंकि खीर काफी हल्की होती है और देखने में बहुत ही ज्यादा लगती है। लेकिन आप उस 200-250 ग्राम खीर को एक ही झटके में काम में ला सकते हैं और फैमिली को बड़े आराम से उसे खिला सकते हैं। किसी को पता नहीं चलेगा, जो खाएगा आपकी तारीफ जरूर करेगा। तो चलिए बहुत ही झटपट से इस लेफ्ट ओवर खीर का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो करना क्या है, लाइक फ्रेंड फैमिली में शेयर करना होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही जो एक घंटे का निशान आता है उसे भी प्रेस कर दीजिए। उससे फायदा ये होता है कि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहता है। दिवाली की बची हुई खीर से एक और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जबरदस्त एकदम नया नाश्ता बनाने के लिए मैंने ये 3-4 कटोरी खीर ले लिया है और खीर को बिल्कुल अच्छे से साफ कर लिया है। इसमें जो धान होता है उन सबको हटा दिया है और उसके बाद खीर को एक बार अच्छे से छान भी लिया है। उसके बाद एक अलग बाउल में मैंने लिया है 1 कप दही। दही खट्टा हो तो ज्यादा अच्छा है, वरना आप इसे फ्रेश दही के साथ भी बना सकते हैं। दही काफी गाढ़ा है और इसे पतला करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। दही और पानी के मिश्रण में हम डाल देंगे ये 1/4 टीस्पून नमक। अगर आपके पास मठा है यानी कि बटर या छाछ मिल्क तो आप उसके साथ भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। और बस ये मिक्स किया और इसके अंदर हम ये साफ करी हुई खीर डाल देंगे। खीर इस समय देखने में काफी ज्यादा लग रही है, लेकिन जैसे ये अच्छे से भीगेगी काफी सोगी हो जाएगी और काफी कम रह जाएगी। और देखिए बाउल में जो खीर थी, बाउल अब थोड़ा थोड़ा खाली होने लगा है और देखते देखते आप देख सकते हैं बाउल आधे से भी कम रह गया है। बस थोड़ा सा और दबाएंगे और इसे 10 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। जो हमने खीर भिगोई थी उसे भीगते हुए 10 मिनट हुए और आप देख सकते हैं खीर बिल्कुल अच्छे से भीग चुकी है और काफी सॉफ्ट हो गई है। और सॉफ्ट होने के साथ ही ये काफी कम हो गई है, बाउल जो हमारा फुल भरा हुआ था अब 1/4 भी नहीं रह गया है। खीर को मिक्सी के जार में करके बारीक सा पीस लिया है और देखिए एकदम परफेक्ट बैटर तैयार है। बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। हम उसमें डालेंगे ये 1/2 कप सूजी। बारीक वाली सूजी हो तो ज्यादा अच्छा है, वरना आप उसे मिक्सी में चला लें। सब चीजों को एक साथ मिक्स करेंगे। बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, उसमें मिक्सी धोकर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। सूजी को फूलने के लिए 10 मिनट का समय लगेगा, इसलिए ढककर इसे 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। बैटर को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, एक बार बैटर को चेक कर लेते हैं। सूजी अच्छे से फूल गई है, लेकिन जो बैटर था काफी गाढ़ा हो गया है। इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल दिया। और इसके बाद मैंने लिया है 1 प्रेशर कुकर और इसमें 1 गिलास पानी डालकर उबलने के लिए रख देते हैं। इस तैयार बैटर में हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जितना इनो फूड साल्ट। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं जिससे ये अच्छे से एक्टिव हो जाएगा। और देखिए बस अब ये मिक्स कर दिया। इनो डालने के बाद बहुत ज्यादा मिक्स ना करें, ना बहुत ज्यादा देर के लिए आप बैटर को रखें। और ये मैंने लिया है 1 बड़ी इडलियों का सांचा। आज मैं आपके साथ खीर की इडली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप सांवर के साथ और नारियल की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बस इस तरीके से हम फिल कर देंगे इडली स्टैंड को, जैसे फिल कर लिया है और बस इसे सेट कर देते हैं। और इसी बीच प्रेशर कुकर में जो पानी उबलने के लिए रखा था उसमें अच्छे से उबाल आ चुका है। इडली स्टैंड को उसमें सेट कर देते हैं। और उसके बाद मैंने लिया है ये प्रेशर कुकर का ढक्कन, और ढक्कन में जो विसल रहता है उसे जरूर निकाल दें। अगर आपने विसल निकालना भूल गए या नहीं निकाली तो आपकी इडलियां बिल्कुल बेकार हो जाएंगी, इसलिए ये जरूर याद रखें। और इसके बाद ढक्कन लगाकर हम इसे 8 से 10 मिनट तक पकने देंगे। और इडली पकाए या ढोकला पकाए उसे हाई फ्लेम पर पकाए, उससे वो ज्यादा अच्छे फूलते हैं। इडली को पकते हुए करीब 8 मिनट हो चुके हैं और बस इसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और प्रेशर को इसी तरीके से रहने देंगे। करीब 3 मिनट बाद हम प्रेशर कुकर को खोलेंगे।
और अब प्रेशर कुकर थोड़ा सा ठंडा हो गया है, 3 से 4 मिनट हो भी गए हैं। और अब इसे खोल देते हैं और देखिए एकदम जबरदस्त और बहुत ही फूली फूली हमारी इडलियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। प्रेशर कुकर से बाहर निकाल लेते हैं और इन्हें और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही फूली फूली हमारी इडलियां बनी है और आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही स्पंजी और बहुत ही फूली फूली और एकदम लाइट वेट हमारी इडलियां बनकर तैयार हुई हैं। यकीन मानिए अगर आप इन्हें ट्राई करते हैं तो कोई भी नहीं जान पाएगा कि आपने इन्हें दिवाली की बची हुई खीर से बनाया है, क्योंकि देखने में इतनी अच्छी हैं, खाने में तो टेस्ट अमेजिंग है। इन बहुत ही टेस्टी और एकदम परफेक्ट इडलियों को आप सांभर के साथ और नारियल की चटनी के साथ सर्व कीजिए, खाने में बहुत ही टेस्टी है। और आपको मैं इनका अंदर से इस तरीके से तोड़कर दिखाती हूँ, देखिए कितनी ज्यादा स्पंजी है, देखकर ही पता चलता है कि कितनी ज्यादा अच्छी ये बनी है। उम्मीद है रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, इसलिए कमेंट बॉक्स आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का इंतजार कर रहा है, इसलिए कमेंट जरूर करें। देखा आपने कितनी सारी खीर थी और मैंने उसका कितना अच्छा रिव्यूज आप लोगों को बताया है, इसलिए उम्मीद है ये परफेक्ट इडली की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। इसलिए वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो एक घंटी का निशान आता है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और मैं ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। इसलिए प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।